मुरादाबाद के स्टेशन रोड स्थित पार्कर इंटर कॉलेज मुरादाबाद में जनपद स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2023 का द्वितीय दिवस पर समस्त जनपद से आए मॉडल्स का निर्णायक मंडल द्वारा अवलोकन किया गया। उनका मूल्यांकन करने के बाद निर्णायक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया। इसी क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद डॉक्टर अरुण कुमार दुबे द्वारा छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। अपने संबोधन में मंडल में छात्र छात्राओं को मंडल प्रतियोगिता में भी मुरादाबाद जनपद का नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया गया। अपने और समाज के अंदर वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम के आयोजक पार्कर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मेजर एस के नेथन द्वारा सभी विद्यालयों से आए गाइड शिक्षक शिक्षिकाओं को इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने कहा कि आज मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। ये अपेक्षा करता हूँ कि वो समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा अपनी कला के माध्यम से संदेश देने का काम करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप सबने बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ अच्छे से कार्यक्रम का आयोजन अब द्वारा किया गया, अनुशासन भी देखने को मिला। और जो सबसे अच्छी बात रही वो ये कि 2 बजे से मेरी दूसरी मीटिंग थी, मैंने आने से पहले ही रिक्वेस्ट कर लिया था, पौने 2 बजे मुझे छोड़ दीजिएगा। मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि सब लोगों ने मुझे 2:45 से फ्री कर दिया है। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। अब मेघावी बच्चों को आप लोगों ने सम्मानित किया। जो बच्चे प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं उनको बधाई और मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए उनको शुभकामनाएं कि हमारे ये बच्चे मंडल में भी प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करें। जिन बच्चों ने प्रयास किया किंतु उन्हें प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान नहीं मिला, उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों कभी कभी नंबर गेम में हम पीछे हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे अंदर प्रतिभा की कमी है, क्षमता की कमी है, या हमारे शिक्षक जिन्होंने हमारे मॉडल को तैयार कराया उसमें ज्ञान और प्रतिभा की कमी है। कभी कभी चांसेस ऐसे होते हैं कि अच्छा हम नहीं कर पाते, उससे हमें निराश हताश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना है। सफलता एक दिन का परिश्रम नहीं है बल्कि सफलता अनवरत परिश्रम का नाम है। आप इसी तरह से प्रयास और प्रयत्न करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो आगामी वर्षों की प्रतियोगिताएँ होंगी उनमें जो बच्चे आज प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान नहीं प्राप्त कर सके हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे भी मेधावी बच्चे अगले साल प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अच्छी प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए आयोजक मंडल को एक बार पुनः हृदय से साधन्य। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से विज्ञान प्रदर्शनी के समन्वयक विकास कांत गुप्ता और सुरेंद्र वर्मा, मनोज प्रभाकर, फैजल मसरूर सिद्दीकी, अभिषेक राय सिंह, नवीन सिंह अभिषेक, बिल्सन दीपशिका निशित अभिषेक सिंह का सहयोग रहा। प्रतियोगिता का परिणाम भी बताया गया। सिटी चैनल से बात करते हुए पार्कर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मेजर एस के नाथन ने कहा कि प्रतियोगिता बहुत बेहतर तरीके से संपन्न हुई और सभी का भरपूर योगदान रहा। ये 2 दिवसीय जनपदीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता थी जिसमें विभिन्न जिले भर के विद्यालयों के प्रतिभागियों ने यहाँ प्रतिभाग किया। ये प्रतियोगिता 2 संवर्ग में थी, जूनियर संवर्ग और सीनियर संवर्ग। जूनियर संवर्ग में क्रिया कार्य और स्थिर दोनों प्रकार के मॉडल छात्र छात्राएं बना करके लाए थे। सीनियर संवर्ग में भी दोनों प्रकार के मॉडल आए थे। यहाँ से प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मंडल में प्रतिभाग करना होगा जो 16-17 नवंबर को चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में होगी।